हेलो एवरीवन, हाय, राधे राधे आप सभी को। और आज मैं मफिन्स बनाने जा रही हूँ, वेनिला चोको चिप्स मफिन्स। एक्चुअली मैं दी के घर आई हुई थी तो मेरे नेफ्यू कुछ मफिन्स खाना था, तो मैंने सोचा आज क्यों ना मफिन्स ही बनाया जाए। तो सबसे पहले हम लोग एक बड़े चम्मच नींबू का रस लेंगे और थोड़ा गरम, हल्का सा गरम दूध लेंगे और उससे उसमें मिक्स करके एक्टिवेट होने को रख देंगे। फिर हम लोग एक बोल लेंगे, उसमें दो कप मेजरिंग कप से लेना है मैदा लिया है मैंने, और फिर एक कप शुगर लिया है पाउडर शुगर, और उसे छान लेंगे। और जो भी शुगर बचा है, जो छनाया नहीं है, उसे साइड में रख देंगे। फिर हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा देकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर 2 टेबल स्पून मैंने बटर दिया है, सॉल्टेड बटर है, और 1/3 कप मैंने रिफाइंड ऑयल दिया है, और 1 टीस्पून मैंने वेनिला एसेंस दिया है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर जो मैंने वो एक्टिवेट होने के लिए दूध रखा था वो इसमें मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद मैंने चोको चिप्स ऊपर से इसमें मिलाकर मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद हम लोग इसे कपकेक में ट्रांसफ़र कर लेंगे बैटर को, और बैटर एकदम बिल्कुल भी लंप फ्री होना चाहिए, बिल्कुल भी गाठे नहीं रहनी चाहिए। और इस पर स्प्रिंकल कर देंगे चोको चिप्स, और इसे मैंने 180 डिग्री में 20-25 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रख दिया था। और फिर मैंने इसे बेक होने के बाद ठंडा होने को रखा। देखिए, ये काफ़ी ही टेस्टी और यम्मी बने थे, मेरे नेफ्यू को बहुत पसंद आई, और वो फिर से बोल रहा था कि हाँ आपको फिर से बनाना चाहिए मासी। तो देखिए, ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनता है। थैंक यू एवरीवन।